मैं एक अनमैरिड हूँ, मैंने शादी नहीं की है और मैं अपने मम्मी डैडी के साथ खुश थी, भाई बहनों के साथ में। और अचानक मैं सर्विस करती थी पार्लर में और अचानक 2014 में मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। मेरे तो पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। बाद में मैंने बोला अभी क्या करने का, तो हॉस्पिटल पहुंच गई मैं। जब मैं वहाँ पे बैठती थी तब एक एक के अनुभव सुनती थी, केमो में ये होता है वो होता है। मैं बोला ये अगर हो गया थोड़े मुझे बाल जाते हैं, मैंने कहा चलेगा बाल जाएंगे चलेगा, बाकी प्रॉब्लम कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी जब केमो फर्स्ट लिया तब मेरे बाल भी नहीं गए और मुझे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। मैंने कहा ये अच्छा है, कुछ नहीं हुआ है। लेकिन जब सेकंड केमो हो गया तो पूरे के पूरे बाल हाथ में आ रहे थे और मुंह में छाले होने लगे, तीसरे में भी। तब ऐसे लगता था कि बस हो गया जीना। मेरी बहन और मेरे भाई ने बोला अरे कुछ नहीं है, ये सब करने के बाद थोड़ा टाइम तो होता है, सब करने के बाद में तू अच्छी हो जाएगी। मैं उनको बोलूँगी पहले तो डरना मत, हिम्मत से काम लो और जो भी ये ट्रीटमेंट है वो आराम से ले लेना, हिम्मत नहीं हारना चाहिए कि कैंसर है। हाँ है। मेरे भाई बहन मेरे को इतने संभालने लगे थे, मतलब नहीं ग्लास लेके खड़े हो जाते थे, तू पानी पी, तू जूस पी, तू ये खा, तू वो खा। मतलब एक छोटे बच्चे को हम लोग कैसे करते हैं, उसे मेरे पीछे पीछे होते थे। बहुत कुछ मिला है, लोगों से प्यार मिलता है, घर वालों से। मैं सबसे बड़ी थी लेकिन सबसे छोटी हो गई।